बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो से आप बाखबर रह सकें। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मछली पुलाव। मछली पुलाव किस तरह और किस तरीके से बनेगा ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को कोई पार्ट स्किप मत करें। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। ये मछली मैंने 1.5 किलो ली है। लाल मिर्च पाउडर 3 खाने के चम्मच, हल्दी पाउडर 1 खाने के चम्मच, धनिया पाउडर 2 खाने के चम्मच, नमक 1 खाने के चम्मच। अब सबसे पहले मैं मछली को मैरिनेट करूंगी, इसे मसाले वगैरह लगाऊंगी, इसलिए मैंने एक बड़े बर्तन में मछली शामिल की है। अब मैं लाल मिर्च पाउडर शामिल करूंगी, अब हल्दी पाउडर शामिल करूंगी, अब मैं नमक शामिल करूंगी, अब मैं धनिया पाउडर शामिल करूंगी, अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स करूंगी और जो मछली है, मछली के जो टुकड़े बने हुए हैं इनके ऊपर लगाऊंगी। आपने भी इसी तरह लगाना है जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं। अब मैंने मछली को मैरिनेट करके रख दिया है, मसाले वगैरह सब लगा लिए हैं तमाम टुकड़ों पर। अब मैं इसे 20 मिनट के लिए रख दूंगी। अब मछली को मैरिनेट किए हुए 20 मिनट हो चुके हैं, अब मैं फ्राई करूंगी। चावल मैंने 2 किलो लिए हैं, इनको मैंने अच्छी तरह साफ करके 3 पानियों में धोकर जैसे 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था, इससे चावल हमारे खूबसूरत बनेंगे लंबे लंबे। बड़े वाले प्याज 2 अदद, टमाटर 3 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, और इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच नमक भी शामिल किया है, तेज़पात 3 अदद, धनिया पाउडर 2 खाने के चम्मच, बम्बई बिरयानी मसाला 2 खाने के चम्मच। ये मिक्स मसाला जात हैं जिसमें सफ़ेद जीरा, लौंग, काली मिर्च शामिल हैं। अब सबसे पहले पतीले में मैंने 1 कप ऑयल शामिल किया है। अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। आज हमारी बहुत ही मज़े की मछली पुलाव रेसिपी बनेगी। अब मैं मिक्स मसाला जार शामिल करूंगी। अब मैं धनिया पाउडर शामिल करूंगी, अच्छी तरह मिक्स करूंगी। अब मैं प्याज शामिल करूंगी और प्याज को फ्राई करूंगी। अब मैं तेज पात शामिल करूंगी। प्याज फ्राई हो चुके हैं, अब मैं टमाटर शामिल करूंगी। अब मैं बम्बई बिरयानी मसाला शामिल करूंगी। अब मैं पानी शामिल करूंगी, 2 लीटर मैंने पानी शामिल किया है। अब मैं चावल शामिल करूंगी। अब मैंने चावल शामिल कर दिए हैं, अब मैं इसे दम पे रखूंगी। अब हमारे चावल तैयार हो गए हैं, देखें कितने खूबसूरत बने हैं, किस तरह खिले खिले हुए और खूबसूरत बने हैं। अब सबसे पहले कढ़ाई मैंने ऑयल शामिल किया है, मछली को फ्राई करूंगी। ऑयल जब गर्म हो जाएगा फिर मछली शामिल करूंगी। ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैंने मछली शामिल कर दी है। अब इसे आहिस्ता आहिस्ता आँच पकाना है, फिर फ्राई करना है आपने। अब हमारी मछली तैयार हो गई है, अब मैं इसे निकाल लूंगी, देखें कितनी खूबसूरत बनी है। अब ये बाकी की मछली भी निकाल लूंगी,
अब जो बाकी रह गए उसे फ्राई कर लूंगी। अब हमारी मछली तैयार हो गई है, ये भी पक चुकी है। अब मैं इसे निकालूंगी। आपने भी इसी तरह फ्राई करना है जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। आहिस्ता आँच पकाना है, ना जलेगी और ना ही अंदर से कच्ची रहेगी। माशाल्लाह से हमारा मछली पुलाव तैयार हो गया है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आखिर में जो वीडियोज हैं उनको ज़रूर देखें, आपको बहुत पसंद आएंगी। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।